हाँ जी जी किद्दां जी सारे तुसी होप तुसी सारे वधिया होंगे जी। देखो जी अज तुहाडे लई मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो मैं तुहानू सौखे तरीके नाल बिरयानी दसा तो सारा कुछ मैं किया होया जी रेडी एवरीथिंग रेडी है। हुण मैं तुहानू दस्सदी हां कि आह कट्टे होया जी मैं प्याज ये मैं कट्टे सीगे प्याज 7 तों 8 प्याज है। तो यह मैं मिर्च जिहड़ी कट्टी है जी ये तेज़ बहुत हुंदी है बहुत स्पैसी मिर्च हुंदी है अपनी जिहड़ी तेज़ मिर्च हुंदी ना वह पाइओ। तो आ टमाटर कट्टे है मेरा ख्याल 4-5 टमाटर है देसी घ्यो है। ये बिरयानी का कलर है ये बिरयानी का मैं पैकेट इदा कट के रख लिया मसाला तुम मैं डब्बा दिखानी हाँ जी। इदा ये बिरयानी का डब्बा यह शान बिरयानी मसाला है जी ठीक है जी बॉम्बे बिरयानी। तुसी इदा करना है कि यह जे तुहानू मिल जाता तो ठीक है जे नहीं मिलता तो कोई इदा दी टेंशन वाली गल नहीं हैगी। यह तुसी इदा कर लो कि जे तो तुसी एमाजोन से ट्राई करोगे तो आराम ना मिल जाना नहीं तो अपने इंडियन ब्रांड कोई भी बिरयानी मसाला हो पिछे इंग्रीडियंट्स देखो ये नमक वगैरह सारा कुछ होंगे वा बिच कुछ नमक नमक कुछ नहीं पाना आप प्याज सारा तेल च भुन वगैरह करके फिर उस तो बाद यह मसाला पा लेना है कि तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ बिरयानी इस करके मैं 2 पैकेट बना रही हूँ। जे तुसी 3-4 बंद बना रहे हो जां 5-6 तो 1 पैकेट काफ़ी होएगा तुसी 1 पैकेट बस पाना है ठीक है जी। फिर हो सके तो आह टमाटर पूरी इनू कहिंदे आ यह मतलब तुसी ले लेनी है भी ज़्यादा नहीं पानी आप 2-3 स्पून पावांगे और नॉर्मली दही यह दही है जी ठीक है जी दही पवेगा 3-4 स्पून तो अदरक लहसुन का पेस्ट पीसिया होया तो नॉर्मल धनिया तो मेन अपना आह पुदीना है। चिकन है मेरा 2-3 किलो होना है तो मैं धो के बास्केट हल्दी पा के नमक पा के मैं धोता हुआ एकदम चमक रहा है। तो आह जी अपना ड्राई मसाला तो ये इन्ना क तुसी पाना है तो बाकी वह पाना वैसे तो तुसी नहीं भी पाओगे तो चलेगा जे एक्स्ट्रा तुसी पाना चाहते हो तो पा लो तो ये सारा कुछ मसाले दे विच एडेड है ठीक है जी। हुण आपां शुरू करन लगे हैं जी आ लो आपां पान लगे हैं जी घ्यो देसी घ्यो मैं पा लिया 2.5 स्पून पाया है जी देसी घ्यो दा तो पहले ही मैं गर्म किया पिया सी विच नॉर्मल तेल आ देखो ठीक है आप सारा ही देसी घ्यो नहीं पाना है बिच पहले पा लेना है नॉर्मल तेल वो गर्म किया हुआ सी मैं हुण मैं बिच पा लिया देसी घ्यो फ्रैगरेंस वास्ते ठीक है जी। आ हुण अपना काम इहदा देसी घ्यो दा कोई नहीं हैगा आप साइड ते रख लैने तो थोड़ा तेल हो माड़ा जिहा हो जाए गर्म तो आप हम लगे शुरू करना हम आप पाना है जी ड्राई मसाला ये इनू बस थोड़ा जहा प्याज में सुट लो पहलों कि तुम बाहर ना आ जाए कि तुम कई बार तेल ज़्यादा गर्म हो गया हूँ आप पा लगे जी आ देखो प्याज कट्टे हुए 7 तों 8 प्याज ठीक है जी 7 तों 8 प्याज ठीक है जी 7 तों 8 प्याज कट्टे हुए पाते आप हूँ आप चंगी तरह हलाना मैं ज़्यादातर अपनी जी कड़छी होंगी मैं लकड़ ऊट की कड़छी यूज करती हाँ पतीले वगैरह खराब नहीं होंगे ठीक है। इनू हूँ आप वेट करते हैं जी गर्म होने तक इस वैसे आप नमक पाना नहीं है तो जे आप अपना जिदा जिदा कोई ज़्यादा नमक खाना चाहता हो तो थोड़ा मोटा तुसी नमक ऐड कर सकते हो वैसे तो नमक जरूरत नहीं है जो मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ वो तो नमक होंगे है तो जरूरत नहीं होंगी जी ठीक है जी। हम अपना मसाला ये चंगी तरह आप प्याज भुनना है कि थोड़ा ब्राउन शेड हो जाए तो यह हम अपने मसाले तब तक ब्राउन होंगे है तो मैं हूँ जी चौलों इन्हों मैं की करना है जी चिकन तुम दस दें कि मतलब आप चिकन अलग बना लेना बच्चे जिदा मैं दसिया तू
चिकन दे विच सारा कुछ पा के आह लटरम पटरम सब कुछ पा लेना आप। उत्तो बाद हो गया जी ये चिकन, चिकन आप पकाना है, ज़्यादा गलन नहीं देना चिकन भी, ठीक ठाक हो गया खड़ा खड़ा चिकन। तो उत्तो बाद चिकन पाकर पक जाएगा एक साइड पर। तो मैं चौलों पानी दे विच पा के रखा हुआ, मैं चौल 5 कप गिलास जिहड़े हुंदे आ पाए हुए आ, काफ़ी हो जाएगा ये। तो मैं चौलों अलग पकाना, ये मैं चौलों बनाऊंगी, बड़ा मैं लिता हुआ ये कुकर, ये मेरे चौल पक जाएंगे। ये जो चौल पक जाएंगे ना, फिर आप अलग अलग दोनों चीज़ों फिर आप मिक्स करांगे, मिक्स करके उस तो बाद आप दम करांगे। जे दम इदा है कि कोई भी बना सकता है, जिदा भी किसी को हिसाब नहीं हुंदा, जिदा हुण आप मसाला बना रहे चावल पा दें वो नहीं सही बनते ना, वह थोड़ा रिस्की जिहा कम हो जाता। यह जो तुम दस दी भी ना कोई भी बना सकते, बड़ा आसानी के नाल है, बड़ा आराम नाल है। तुसी चावल अलग बना लेने हैं, जे हो सके तुसी चावल अलग बाल लो, कि तो जे यह कुकर हैगा तो बहुत वधिया गल है, इहनूं तुसी चौलां नूं पाना अपने आप सैट हो जाने चौल। तो जे नहीं है तो तुसी बाल लो, जिदा खड़े खड़े जिदा अपने चौल हुंदे आ इदा बनाउने आ आपां, ज़्यादा गलने नहीं चाहिए चौल, एकदम खड़े खड़े जे होण। तो इन्हां नूं आपां अलग बना देना, चिकन हो रहा जी अलग, फिर आपां इन्हां नूं मिक्स करांगे। पहले एक लेयर बनावांगे जी चौलां दी, हल्दी एंड थोड़ी जी पाई है मैं पीसी हुई मिर्च, जिहड़ी कस्तूरी मिर्च हुंदी ना कश्मीरी, वो पुण लगी है जी मैं तुहाडे सामने आ पाउण लगी हाँ जी। आ देखो 2 पैकेट है, अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, भी खुशबू बड़ी प्यारी है। थोड़ा गैस कट कर लीजिए। अच्छी ठीक है ताज़ा किया जी मैं अदरक लहसुन, चार चम्मच पाए जी भर भर के, ये मसाले च सारा कुछ ही है, जिदा भी वड्डी इलायची है देखो, वड्डी इलायची ये अंदर ही सी मसाले के अंदर, वड्डी इलायची तो मसाले के अंदर सारा कुछ ही हुंदा, वैसे तुहानू कुछ नहीं पाने की जरूरत, नमक नमक सब कुछ अंदर है। थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर दी धनिया तो खुशबू वास्ते, हाँ लगे हैं जी मैं पाने आहा टमाटर पूरी, इन थोड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते। तीन चार चम्मच पा लिया मैं जी टमाटर पूरी, इन लगे जी हम मिक्स कर, देखो ग्रेवी काफ़ी टेस्टी और अच्छी रहेगी, तेज़ एंड स्पाइसी। और बन रहा मसाला बिरयानी का, दही भी आप पा लीए, जिस मैं चम्मच ना पाना सीगा मैं घतना फोन पड़िया हुआ, तो तुम देख ही लो हिसाब पता लग ही जाना, कितों काफ़ी छोटी लगी है, एड्डी वड्डी नहीं हैगी, मैं मेरे ख्याल अद्धे तो भी घट पाई है, जो चाहिए हुई तो बंदा बाद भी पा सकता थोड़ा होर।
ठीक है जी, ये बन रहा मसाला। बस मसाला हम तैयार हो गया, अपन लगे हूँ अपना चिकन पाना। हुण आपां इहनूं इहदे विच पाणी पाउण दी लोड़ नहीं है, चिकन ही छड़ देगा पानी। ते जे पाना भी होए ते मैं अदरक लहसुन जिहड़ा पीसिया होया सी उहदा पानी मैं रख्या होया। लगी है जी आपां ढक्कन। ठीक है जी, इहनूं लगने आ जी होर 15-20 मिनट लग जाएंगे, तां उह तुहानूं फाइनल लुक दिखाने आ। ठीक है जी, ओके। हाँ जी जी, हुण मैं तुहानूं दिखाने आ जी इहदी हो गई है जी थोड़ी तैयार सब्जी। ते इस मैं पाउण लगी हाँ थोड़ा फ्राई किया होया प्याज, ज़्यादा नहीं पाना मैं, थोड़ा ही पाना वा। थोड़ा जहा धनिया, थोड़ा जहा पुदीना, तो कम सारा नहीं पाना है। तो फिर स्मेल भी नहीं आनी खुशबू जी होंगी पुदीने की धनिए की, तो फिर ग्रीन ग्रीन लुक भी नहीं आनी है। तो करके लास्ट मिनट भी थोड़ा धनिया पाऊंगी। बस हूँ हो गया जी ये रेडी। तो मैं हूँ वेट कराँगी जी चावलों की, चावल हो जाए फिर आप दिखाने जी फाइनल लुक। ठीक है जी, ओके। हाँ जी जी, हुण हो गया जी रेडी, आ हो गया जी चिकन रेडी सी। ठीक है जी, हुण मेरे राइस बन गए ने, राइस बन गए ने। हुण इहदे विच आपां कलर, ये कलर जिहड़ा मैं तुहानूं दिखाया सीगा इहदे विच मैं पानी पा लिया है थोड़ा, बस इहनूं चौलां च पाउणा है। मिक्स कर लिए, चंगी तरह आप चौलों च मिक्स कर लेना है। तो जोड़े चौलों च रंग लग गया इन्होंने थोड़ा जहा परे कर लीए। ठीक है जी, ये हम मैं तुम्हें दिखाने आप इदा करना है। ये मेरा पतीला रेडी है, देखो मिर्च जिदा एक लेयर पूरी चौलों की पा ली है। उसके बीच में थोड़ा जहा धनिया सुटूंगी। ठीक है जी, उसके पावांगे जी आप प्याज फ्राई किया हुआ। हम आप
ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਿਕਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਿਕਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਮਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਚਖਾ ਲਈਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਚੌਲ ਜੀ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਲਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ 'ਚ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਵਰ। ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰੈਡੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
बनाया जी दम। इनू गैस में आप बाल लेना है। उस तो बाद ये थले मैं रखूँ जी तवा कि ज़्यादा ना सेक पवे। फिर उस तो बाद जो ये चंगी तरह स्मोक वगैरह च भाफ जो आ जानी है तो फिर प्लेटा के सर्विस करो। जिन्होंने भी तुम घर कोई मेहमान है तभी ठीक है, तो जे तुम आप खा रहे हो तो बस इनू तुम प्लेटा च पाओ और खाओ। टेस्ट बहुत अमेजिंग होएगा कि तो ये बिरयानी और लुक भी इन्नी कि वधिया आनी है। तुम देख सकते हो एकदम बिरयानी का चावल भी कला कला सीगा बिल्कुल। और तुम पतीला भी देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा पतीला है, देखो काफ़ी बड़ा पतीला है। काफ़ी जाने वास्ते मैं बनाई है ये बिरयानी, बड़ी सौखी है। तुम देखा होना कि चौलों मैं अलग बना लिया और मसाला मैं अलग तैयार कर लिया सी। मैं एक लेयर चौलों की तो दूजी फिर आप चिकन की जो ग्रेवी से वो फिर उस उपर चौलों की लेयर फिर उपर चिकन ये पूरी तरह तुम करके हम तुम करना है दम। ये उपर तुम कोई पौना हो जाए कोई बड़ा सारा पौना हो जाए पौने बस तुम ढक के उपर रख के उपर तुम रखना है कोई भार वाली चीज़ जिदा हम रख लगी है जी कूडी ठीक है। ये रख दी आपू करना है गैस ऑयल फिर वो थोड़ा जहा सेक लगना चाहिए ज़्यादा ना लगे कि तो पतीले थले तुम पता आप चौल ही पाए हैं। जे नहीं भी तुम जो तुम थोड़ा जहा देखना है कि थले ना पकड़ लवे तो थले तवा रख के गैस बहुत स्लो च रखना है कि स्लोली स्लोली दम होनू कह देंगे कि दम बिरयानी तो दम हो जाती है तो बड़ी वधिया लगती है खाने च भी बड़ी टेस्टी होंगी है तो बहुत ही वधिया लगती है। तो चलो हो गया जी मेरा तो हूँ तुम दसी खा के असी तुम खा के दसा तो दस नहीं सकते तो प्लेट च पा के तुम दम बुड़ के फैन लुक दिखावे। तो जे तुहानू यह वधिया लगा या बिरयानी का आइडिया भी बहुत सौखे तरीके आप वधिया तरीके की बिरयानी बना सकते हैं तो तुसी इस चैनल नू लाइक तो शेयर कर दियो। हाँ जी फ्रेंड मेरे हो गई सी यह बिरयानी सैटल और मैं पुट पा ली हुई है जी प्लेट च खाण वास्ते ते खानी है ते आ जाओ। आ देखो जी बड़ी ही अमेजिंग है लग रही और खाने च भी बहुत ही टेस्टी होनी है बहुत ही यम्मी होनी है। तुसी देख सकते हो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल च बनी है बहुत ही ईजी है अपने घर ट्राई करियो तुसी ठीक है जी।